तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जॉब ओरिएंटेड टॉप कोर्सेज के बारे में, जिनको चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आप ट्वेल्थ के बाद करना चाहते हो तो भी ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया तो भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जो कि आपको इंस्टेंट जॉब दिलाएंगे, जो कि आपको ऑन स्पॉट जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो ये टॉप सेलेक्टेड कोर्स हैं 4 से 5। और तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद, जिसमें पहले नंबर पे है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों आपको पता ही होगा इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग का कितना ज़्यादा डिमांड होता जा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एंड इसमें आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। लगभग आप चाहो तो जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो एंड चाहो तो बिजनेस भी कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम का एक वन ऑफ द बेस्ट डिमांडेड कोर्स है। इसको चाहो आप कर सकते हो इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। बेसिकली टॉप लिस्ट में ये नंबर 1 पे आता है। एंड दोस्तों जो सेकेंड नंबर पे है डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया और इन 3D। तो दोस्तों इस टाइम तो पता ही है 3D, 4D, 5D का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। जहाँ तक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एनिमेशन वगैरह की, तो 3D या 4D वो मतलब जितनी भी बिग मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो बेसिकली इन सब का यूज़ करती हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर जो BMW का ब्रांड है या ऑडी का ब्रांड है या किसी भी गाड़ी का ब्रांड हो बेसिकली, या किसी भी चीज़ का, तो फॉर एग्जांपल उन्हें कोई एक गाड़ी बनानी है तो उस गाड़ी को पहले वो डिज़ाइन करवाते हैं 3D में कि लुक में कैसी लगेगी और ये कैसे दिखेगी। तो उसे पूरी गाड़ी को 3D में डिज़ाइन कराते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्ट सारे निकलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ओपनिंग्स और वैकेंसीज और जॉब इसमें मिलती हैं। तो आप चाहो तो 3D या एनिमेशन भी कर सकते हो। दोस्तों जो थर्ड नंबर पे मेरी लिस्ट में वो है डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनर। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या कि आजकल तो पता ही है सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, वो चाहे एप्लीकेशन के थ्रू हो या वेबसाइट के थ्रू हो। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड दोस्तों आप इसमें 3 जगह जा सकते हो। 3 जगह कहने का मतलब कि आप चाहो तो आज फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हो, ऑफिस वर्क भी कर सकते हो एंड खुद की कंपनी भी खोल सकते हो या खुद के एम्प्लॉय भी बना सकते हो, यानी कि एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको इसमें भी मिल जाएगी। और ये इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है बेसिकली, अगर आपको बेसिक लैंग्वेजेस आती हैं तो वेब डिजाइनिंग कोर्स इतना टफ नहीं होता है और आप चाहो तो बहुत ज़्यादा इसमें पैसे कमा सकते हो। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट है डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो दोस्तों अब तो पता ही आप लोगों की हर जगह देख लो एडवर्टीजमेंट हो रहा हो, चाहे फिर फेसबुक हो, गूगल हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो या अदर एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं। अगर आप टिकटॉक यूज़ करते होगे तो वहाँ भी आपको एडवर्टीजमेंट मिलता होगा। तो ये जो ऐड होते हैं बेसिकली कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रहे होते हैं या कहीं ना कहीं से वो सर्वर पुश करे जाते हैं कि इस टाइम ये ऐड आए, इस टाइम ये ऐड आए, यानी कि मैनुअली नहीं लगाया जाता बट वहाँ पर कोडिंग के थ्रू इनका यूज़ किया जाता है और वहाँ पर कोडिंग के थ्रू एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया जाता है। और अगर यहीं पर मैं बात करूँ फेसबुक की, तो लगभग जहां तक मुझे आइडिया है $72 बिलियन अर्निंग है सिर्फ उसकी एडवर्टीजमेंट की अर्निंग से। $72 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ऊपर तक जाने वाला है और आप चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी का तो पता ही है, फ़ोटो खींचने का लोगों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो आप अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हो तो आप चाहो तो ऑनलाइन भी इनको सेल कर सकते हो या आप इसके लिए ऑफिस वर्क भी ज्वाइन करा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दोनों काम करने पड़ते हैं, एक फ़ोटो को एडिट भी करना पड़ता है या फोटोग्राफी होती है आपको उसको भी करना पड़ेगा अगर आप एज ए ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। एंड अगर आप खुद का बिजनेस ओपन कर रहे हो तो आप चाहो तो ये इमेजेस वगैरह खींच के वो बेच सकते हो। बेसिकली आप अगर साइट पर जाओगे देखते होगे वहाँ पर जो थीम्स वगैरह होती हैं, इमेजेस वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे कुछ परचेस करना पड़ता है। जैसे कि अगर यूट्यूब की जो इमेजेस डाल देते हैं बाकी लोग, तो जब कॉपीराइट आ जाता है तो क्या मतलब उसका होता है कि वो आपने परचेस नहीं किया है, वो इलीगल आपने यूज़ किया है, तो इस वजह से कॉपीराइट आ जाता है। तो वहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके की इमेज वगैरह भी सेल होती हैं। और आपको ये काम बहुत छोटा लग रहा होगा कि इमेज सेल करेंगे, लेकिन सुनने में छोटा ज़रूर है लेकिन अर्निंग इसकी बहुत ज़्यादा है। जो इस लाइन में हो, जो इस फील्ड में हो, आप अगर कहीं से कनेक्ट होते हो तो उनसे पूछना एक बार कि इसकी अर्निंग क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।